नेता प्रतिपक्ष तो झूठ के सबसे बड़े सौदागर है, जैसे कि झूठ की पीएचडी कर रखी है, इसलिए बीजेपी का नाम बड़ी झूठी पार्टी होना चाहिए। सपने भी नहीं सोचा। अब सबसे बड़े झूठे पर झूठ का टैक्स लगना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष तो झूठ के सबसे बड़े सौदागर है, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, नए नए नाम खोजते रहते हैं, जैसे कि झूठ की पीएचडी कर रखी है, इसलिए बीजेपी का नाम बड़ी झूठी पार्टी होना चाहिए। पता नहीं कहां से कभी टॉयलेट टैक्स की बात करते जो कहीं है ही नहीं। सपने भी नहीं सोचा। कभी बोलते खेल टैक्स है। अब सबसे बड़े झूठे पर झूठ का टैक्स लगना चाहिए। सबसे ज्यादा झूठ अगर किसी ने बोला है तो नेता प्रतिपक्ष ने बोला है। 75 लाख लोग परिवार हिमाचल प्रदेश में रहते, किसी के पास आज टॉयलेट का बिल लिया गया है? और मुझे अफसोस होता है कि देश के प्रधानमंत्री इस बात को बोलते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी को जो फीडबैक देते हैं, उन्हें इन फीडबैक में सोचना चाहिए कि किस प्रकार की ये लोग बात कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की जनता पर आज तक कोई टैक्स नहीं लगा जब से 20 महीने से हमारी सरकार आएगी, लेकिन झूठ ऐसे परोसा जा रहा है जैसे कि सच हो रहा है। सोशल मीडिया भी उसमें ऐसे परोस रहे हैं जैसे कि सच हो रहा है। कभी हमारी आर्थिक स्थिति पर बात कर देते हैं। अगर हम किसी चीज को सही करने की दिशा में व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं तो उसको ऐसा शो करते हैं कि हमारी स्थिति ऐसी है। अगर हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती तो ऐसे बेड लगने थे हॉस्पिटल्स में? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आनी थी? तो ये चीजें कहकर वो जनता का ध्यान राजनीतिक तौर पर अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हिमाचल प्रदेश की जनता पर किसी प्रकार का कोई टैक्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे जो इन्वेस्टमेंट ड्रेन हुआ है, जो हमारी संपदा को पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जो जनता हिमाचल प्रदेश की जनता की संपदा है उसको लूटा है और लुटाया है, उसको हमारी सरकार ठीक कर रही है और हिमाचल की जनता के हित में फैसले कर रही है।